टुडे फिजिक्स टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा राइट हैंड थंब रूल। ये चैप्टर 13 से है। कौन से चैप्टर से बेटा? ये 13 चैप्टर का क्या नाम है? करेक्ट। उसमें ये टॉपिक है बेटा राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल होता क्या है? तो सबसे पहले बेटा जो स्ट्रक्चर होगा, फिगर होगी, वो मैंने शो कर रखी है। राइट हैंड थंब रूल है ये, जो हमारा राइट हैंड होता है ये इस तरह से उल्टा सो, ये थंब है, ये नीचे की साइड सो कर रखी है, जो ये फिंगर्स हमारी ये क्या रखी है, वार और के मतलब ये मुड़ी हुई सो कर रखी है। ऐसे ही हमने डायग्राम बना रखा है। तो जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा बेटा? राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल में मैंने क्या बताया है, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज, इसके अंदर बेटा ये करंट कैरी करता है कौन? कंडक्टर। और इमेजिंग टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड थंब रूल, और इस इमेज को शो कर रखा है हमारे राइट हैंड के थंब से, ठीक है भाई। अब ये क्या कहता है स्टूडेंट से, ये थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये किसकी डायरेक्शन में बेटा? थंब है जो ये हमारा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो ये थंब है, अंगूठा है, ये अंगूठा किसी का सही बेटेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट जो ये थंब है। तो आई एम राइट हियर स्टूडेंट्स करंट, तो ये मैंने यहां पे जो थंब ये क्या लिख दिया भाई, करंट, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द डायरेक्शन ऑफ द वार्पिंग फिंगर्स, अब ये कहता है जो हमारी ये फिंगर्स मुड़ी हुई है, मतलब कि ये जो ऐसे रोटेट हो रखी मुड़ी हुई है, ये किस चीज की डायरेक्शन को शो करती है? तो इसने क्या कह दिया, जो वार्पिंग फिंगर्स है will give the direction, ये हमें देती है कौन सी डायरेक्शन बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो क्लियर है भाई ये डायग्राम? आप इसमें बस बिल्कुल छोटी ही दो ही बातें थी बेटा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट था वो जो हमारा स्ट्रेट जो थंब दिखाई दे रहा है ये शो करता है किसको भाई? डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो ये मेरी फिंगर वार्प और की मुड़ी हुई है ये किसको शो करते हैं? डायरेक्शन ऑफ हम बोलेंगे क्या? राइट हैंड थंब रूल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कंप्लीट टॉपिक बेटा।